एसपी आयशा बट का नाम तो आपने सुना होगा और सब देखते होंगे उन्हें, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी उन्हें देखा होगा। लेकिन उनके हस्बैंड कौन है ये थोड़ा कम लोग जानते हैं। आपने प्रपोज किया या मैम ने आपको किया? सीएसएस में किसके मार्क्स ज़्यादा थे, आपके या उनके? पहली लड़ाई पहले दिन ही हो गई थी। अच्छा। उनके मशवरे सुनता रहता हूँ मैं। अमल भी करते हैं या नहीं? मैं भी हेल्प कर लेता हूँ। क्या हेल्प कर लेते हैं? उनका यही डिमांड होते हैं कि जी मैंने रिंग देख ली है, मुझे अच्छा, अच्छा। मैंने जूते देख लिए हैं, मैंने ये कपड़े देख लिए हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो पुलिस मुकाबला हुआ है घर में, पुलिस मुकाबला जो प्रॉपर होता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा अवान और मेरे साथ मोहम्मद फाइक नहीं है, उनको इमरजेंसी थी, आज वो नहीं आ सके और आज मैं अकेली जो है वो मॉर्निंग शो करूँगी और मॉर्निंग शो को आगे लेकर चलूँगी। तो जनाब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसपी आयशा बट का नाम तो आपने सुना होगा और सब देखते होंगे उन्हें, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी उन्हें देखा होगा। लेकिन उनके हस्बैंड कौन है ये थोड़ा कम लोग जानते हैं, आप में से शायद जानते ही नहीं है, ये कम लोग जानते हैं। तो आज हम मिलवाते हैं आपको उनके हस्बैंड से। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इकबाल टाउन अब्दुल वहाब साहब। आइए उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, सबसे पहले आपकी और मैम आयशा बट की बात करते हैं। किस तरह मिले, किस तरह शादी हुई और फिर ये किस तरह सिलसिला आगे बढ़ा? बैचमेट्स ही थे और फिर घर वालों ने भी शादी को पाए तकमील तक पहुंचाया। मतलब जब आपने सीएसएस क्लियर किया उसके बाद हम बैचमेट्स। ओके ओके, ट्रेनिंग इकट्ठी की। ओके, तो सर आपने प्रपोज किया या मैम ने आपको किया? It was sort of mutual understanding, मतलब समझ लिया आप दोनों ने कि अब आप दोनों ने शादी करनी है। अच्छा सर, CSS की बात करते हैं। CSS में किसके मार्क्स ज़्यादा थे, आपके या उनके? मेरे मार्क्स। आपके मार्क्स ज़्यादा थे। और पुलिस जो है वो बाय आपने चॉइस? एग्जैक्टली। ओके, बाय चॉइस आप पुलिस। ओके ओके। अच्छा सर, घर में भी कभी शादी के बाद जो कि अक्सर देखने में आती है कि लड़ाई होती है, कौन सी लड़ाई सबसे पहले हुई या किस बात पे लड़ाई हुई? पहली लड़ाई आपकी? पहली लड़ाई पहले दिन ही हो गई थी। अच्छा ओके। मैं दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था। ओके ओके, तो उन्हें ये प्रॉब्लम है कि आप दोस्तों को ज़्यादा टाइम देती हैं। तो पुलिस मुकाबला हुआ है घर में, पुलिस मुकाबला जो प्रॉपर होता है? मुकाबला हुआ है, पुलिस सर हम अभी गोलियां पुलिस के तो। ओके सर। अच्छा, किसकी ज़्यादा चलती है, आपकी या उनकी? उनकी ज़्यादा चलती। उनकी ज़्यादा चलती है आपके। और सर कुकिंग में कौन ज़्यादा अच्छा है, आप ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेते हैं या वो? और वो मैं तो जाता ही नहीं हूँ किचन में, लेकिन वो भी कम ही कुकिंग होती है। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा क्या बना लेती है, उनके हाथ की बनी हुई क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है? कीमा अच्छा बना लेती है, निहारी अच्छी बना लेती है। अच्छा, मतलब वो बना लेती है अगर वो कभी बनाना चाहे तो। अगर वो कभी बनाए तो वो ये चीज़ें अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, प्रोफेशन के हवाले से कभी आपने एक दूसरे को, क्योंकि सेम आपका प्रोफेशन है, वो भी पुलिस से ताल्लुक़ रखती हैं आप भी, तो कभी आपने एक दूसरे को मशवरा दिया? बस उनके मशवरे सुनता रहता हूँ मैं। अमल भी करते हैं या नहीं? अच्छा, ये हस्बैंड की ये आदत की होती है कि वो सुनते, मतलब सबकी है, सबकी सुन रहे हैं, बीवी की भी सुन रहे हैं, लेकिन करते वो अपनी मर्जी है। ऐसा क्यों होता है? राय फरार यही है मेरे ख्याल कि सुन लिया जाए कि अपनी मर्जी जाए। अच्छा सर, गानिया के आने से क्या तब्दीली आई है आपके रिलेशनशिप में जब से गानिया आई है? गानिया के आने से एक तो अल्लाह की रहमत है और उसके बाद ये हुआ है कि ऑफिस काम के बाद सीधा घर जाना। अच्छा, अब दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया। अच्छा, ये जब ट्रेनिंग कर रहे थे आप तब भी एक दूसरे की हेल्प करते थे या तब सिर्फ एक दूसरे के कंपेटिटर्स ही थे? नहीं, हेल्प ही करते थे। अच्छा, तो आप SB जो है इस्लामाबाद में भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये लाहौर की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? अब इस्लामाबाद की इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव है काफ़ी। अच्छा, यहाँ लाहौर में थोड़ी सी जो है वो हमारे पास फास्ट है चीज़ें काफ़ी। ओके, लेकिन यू हैव टू बी ऑन योर टोज। सर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन की क्या अहमियत है? पुलिस में इन्वेस्टिगेशन है ही पुलिसिंग का कोर फंक्शन। ओके, यू हैव टू ग्रैब द क्रिमिनल और उसको आपने बाकायदा ना सिर्फ उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको आपने पाया तकमील तक भी पहुंचाना होता है। यू हैव टू इंश्योर कि वो कन्विक्ट हो कोर्ट के अंदर। तो इट्स अ कोर फंक्शन ऑफ पुलिसिंग। ओके सर, अच्छा टेक्नोलॉजी जब से आई है, आप देखें कि LTE सर्विसेज आ गई हैं, 4G LTE आ गया है, टेक्नोलॉजी के आने से इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन में क्या आपको हेल्प मिली है, किस हद तक जदीद हो गई है इन्वेस्टिगेशन? काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें, जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब SP जो है इकबाल टाउन डिवीज़न है, किस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं और किस तरह जो है वो उन्हें कम किया जा सकता है? 3 हेड्स हैं क्राइम के वहाँ पर काफ़ी बड़े, एक तो स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, रॉबरी है, सेकेंडली जो है व्हीकल थेफ्ट है, थर्ड जो है उसके अंदर स्पेशलाइज क्राइम आ जाता है, और फोर्थ मैं उसको कहूँगा कि जो इश्तिहारी हैं हमारे पास POTO जिनको कहते हैं, उनकी काफ़ी तादाद है। जी, तो इश्तिहारी और POTO को पकड़ने से ही जो हमारे पास इश्तिहारी हैं लोगों के केसेस के अंदर जो आपके पास, तो उनको पकड़ने से ही काफ़ी क्राइम में बेहतरी आ सकती है। ओके सर, जो एक इन्वेस्टिगेशन क्या एक रवायत थी, खोजी का एक किरदार था, वो खोजी क्या था और उसका क्या किरदार था, और आज के ज़माने में कि जो उसका किरदार या उसका काम है वो अहमियत का हामिल है या नहीं? देखिए रूरल पुलिसिंग में तो वो आज भी किरदार तो उसके किरदार काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब खोजी जो है वो आपके पैर के निशान से काफ़ी सारी उसकी हिस्ट्री जो है वो जो बंदा जिसके पैर का निशान है उसकी बता सकता है, टू द एक्सटेंट कि जी उसकी हाइट कितनी है, उसके किसी पैर में कोई मसला तो नहीं है। अगर फीमेल का है तो वो खोजी पैर के निशान देख के उसकी करंट कंडीशन का, इफ शी इज प्रेग्नेंट और इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट, उसका भी अंदाज़ा लगा के आपको बता सकता था। लेकिन उसके लिए चूँकि आपको रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सारा कुछ है। अर्बन पुलिसिंग में ज़ाहिर है अब उनका किरदार ना होने के बराबर है। जी ठीक है सर, फोरेंसिक साइंस आई है, जो टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएँ तो फोरेंसिक साइंस का भी बड़ा किरदार है इन्वेस्टिगेशन में, ख़ासतौर पे कितनी अहमियत की हामिल है या क्या समझते हैं आप इसके? देखिए फोरेंसिक साइंस जो है आपके पास वो साइंस है जिसको हम लीगली देखते हैं, या जिसकी लीगल इम्प्लीकेशन है, दैट्स कॉल्ड फोरेंसिक साइंस। तो उसकी जो फोरेंसिक लैब बनी हुई है, वो DNA टेस्टिंग आ चुकी है हमारे पास, प्रोफाइलिंग आ चुकी है, पॉलीग्राफी टेस्ट आ चुके हैं, तो उससे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प मिल जाती है। फ्रॉम पॉलीग्राफी टेस्ट यू कैन जज के जी इफ़ अ पर्सन इज़ लाइंग और इफ़ ही इज़ नॉट लाइंग। अब इस्लामाबाद में थे तो बड़ा मुश्किल होता होगा, SP आयशा बट जो तो लाहौर में थी, आप इस्लामाबाद में थी, फिर वो बेटी की लुक आफ्टर भी कर रही थी, तो किस तरह मैनेज करते थे आप दोनों? अब वो छुट्टी लेके आ जाती थी। अच्छा वो छुट्टी लेके आती थी। अच्छा लुक आफ्टर घर में जो करनी होती है गानिया की, आप भी हेल्प करते हैं या वो ही लगी रहती हैं बस उनकी हेल्प करने? मैं भी हेल्प कर लेता हूँ। क्या हेल्प कर लेते हैं? मतलब उसे साथ लेके बाहर निकल जाता हूँ कोई थोड़ी देर। अच्छा गिफ्ट कौन देता है? आप ज़्यादा देते हैं सरप्राइजेस गिफ्ट? सर आप ये क्यों प्रॉब्लम हो जाती है कि ज़्यादा जो लड़की होती है वो सरप्राइज चाह रही होती है या कोई ऐसा मतलब एकदम उसे ये अच्छा लगता है, तो आपको लगता नहीं है कि दोनों को म्यूचुअल देना चाहिए या आपको ज़्यादा देनी चाहिए या हस्बैंड्स को भी ज़्यादा देने चाहिए? ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता कि वो आपको खुश करें या सरप्राइज़ दें। नाराज होती है इस बात पे वो कि आप नहीं देते? नहीं, नाराज तो कभी नहीं हुई। अच्छा, उससे मेरा ख्याल है देख के खुशी मिलती है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आपकी तरफ से वो आती है कि ये गिफ्ट दिया जाए, तो कौन सा वो ज़्यादा डिमांड करती है? मेरी कोई डिमांड नहीं, वो डिमांड क्या करती है? उनका यही डिमांड होते हैं कि जी मैंने रिंग देख ली है, मैंने जूते देख लिए, मैंने ये कपड़े देख लिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा तो इस तरह फिर आप मैनेज करते हैं। अच्छा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, सेफ सिटी का क्या किरदार है? जो टेक्नोलॉजी आई है, हर जगह कैमरा जो है नस्ब हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है या मिलती होगी, तो आप सेफ सिटी का इन्वेस्टिगेशन में ख़ासतौर पर लाहौर की या पंजाब की इन्वेस्टिगेशन में क्या किरदार देखते हैं? सेफ सिटी आपके पास एक काफ़ी हमारे हेल्पफुल हमें साबित हो रही है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि एक तो कैमरे की वजह से रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो जो एक चीज़ हमें पहले ढूंढनी पड़ती थी कि जी एक कंप्लेनेंट आया है, उसकी बात से सच को आपने पहले बाहर निकालना है, तो साथ ही आपको ये भी पता चल जाता था कि जी कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरे की मदद से हमें ना बैक ट्रैक करने में, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट करने में, इवन ट्रैफिक जैम्स में, हर तरफ से इट्स अ वेरी हेल्पफुल एडिशन। आपकी वाइफ भी जो है वो पुलिस से ताल्लुक़ रखती हैं और पुलिस में जॉब करी हैं, लड़की हैं, आपकी वाइफ हैं, तो क्या देखते हैं आप या क्या आने वाली लड़कियों को सजेस्ट करेंगे कि उन्हें पुलिस में आना चाहिए और जॉब करनी चाहिए या कितना सेफ़ है पुलिस की जॉब उनके लिए, क्योंकि आजकल जो है वो भर्तियाँ भी पुलिस में जारी होना शुरू हुई हैं और ये कैंपेन भी है, तो आप क्या इस बात को सपोर्ट करेंगे? जी एग्जैक्टली, सपोर्ट तो है ही है। हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उन्हें ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ये पैशन का काम है। पैशन का काम, पुलिसिंग इज़ अ पैशन जॉब। ये इट्स अगर आपका पैशन नहीं है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इट्स अ पैशनेट जॉब, इट्स अ रिवॉर्डिंग जॉब, इट्स अ पैशनेट जॉब। लोगों की दुआएं काफ़ी मिल जाती है आपको, ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल आप लोगों को जस्टिस दे सकते हैं। किसी की बात भी सुन लें आप तो वो भी बड़ा आपकी नाम-ए-अमाल में उसका इजाफा हो जाता हो। तो ये सब पैशनेट थिंग मस्ट कम मस्ट सर्व। थैंक यू सो मच सर, आपने हमने इतना कीमती टाइम दिया एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। और जी हमारे साथ थे एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब साहिब, और उन्होंने हमें बताया कि औरतों को जो ख़ासतौर पे लेडीज़ को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को पुलिस में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो आप आएँ, ज्वाइन करें और वो तब्दीली लेके आएँ। और इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और आपने जाते जाते क्या करना है, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।